हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका फेवरेट चैनल डेली न्यू लर्निंग में। और मैं मेघा आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश पार्ट। मैं आपका इंग्लिश पार्ट कवर करूंगी। गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे तरीके का इंग्लिश आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ इसका मतलब मैं रूड हूँ, मैं मूडी हूँ और मैं स्ट्रिक्टली पढ़ाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं हंस मजाक में पढ़ाती हूँ। आप जैसे चाहती है वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी। आपको किस तरीके से पढ़ाना पसंद है, आप क्या क्या क्वेश्चन जानना चाहती है और क्या क्या चैप्टर स्पेशली आपका लग रही है कि इम्पोर्टेंट है, आप वो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा और भी ये चैनल में हमारा और भी सब्जेक्ट है जो सर पढ़ाती है, वहां पर भी आप ऐसे ही लिखोगे। और अगर आपको पसंद आए मेरा ये वीडियो, मेरा ये चैनल, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। नाउ आती है पढ़ाने के चैप्टर में और इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है? आप सभी को स्टार्ट करने के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो एवरी वीडियो में मैं आपको बोलूंगी, हैव अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्योंकि है, आप बोल सकते हो कि मैम गुड मॉर्निंग क्यों है भाई, अभी तो इवनिंग है क्योंकि मैं इवनिंग में ये वीडियो देख रही हूँ, अभी तो नाइट है, मैं मेरा डिनर कंप्लीट करके आप बैठी हूँ कि कैसे मैं इंग्लिश का नया पार करूंगी। हाँ फ्रेंड, ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि लेकिन मेरा मानना है कि जब भी जगो तभी सवेरा। और भाई जागने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप करने जा रही हो मेघा के साथ क्या क्लास, इंग्लिश क्लास, ठीक है? तो आ जाती है इंग्लिश सब्जेक्ट में और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कैसे के जैसे आपका गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आती है। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है कि आप इंग्लिश जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दे रही हो वो ही मेरा चैनल में आए, मेरा चैनल देखे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड। आप जो इंग्लिश गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो रही हो, जो आप जा रहे हो कि जानना चाहती हो इंग्लिश, अब और भी ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ाना चाहती हो और इंग्लिश जीरो से सीखना चाहती हो, वो भी मेरा चैनल में आ सकते हैं, मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीके से सबके लिए मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। नाउ फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आप सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जो बात करते हैं ना वो क्या कहती है, वो है आपका स्पीच। आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप हिंदी में बात कर सकते हैं, आप भाई मराठी में तेलुगु में भी बात कर सकते हैं अगर वो आपको आती है, लेकिन मेरे को नहीं आते। मेरे तीन ही लैंग्वेज आता है, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज में मैं बात करूंगी वो ही मेरा स्पीच है। और वो स्पीच का जो पार्ट्स है, थोड़ा थोड़ा, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, आमी जाच्छी, एवरीथिंग इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका स्पीच का पार्ट है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशल इंग्लिश के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बताती है इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट है, आप सब जानती है, मुझे पता है, लेकिन मैं और एक बार बता देती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 पार्ट्स है, क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है? अब जब भी बात करोगी ना, अब जब भी बात करोगी, ये 8ों में से कोई एक, कोई दो, कोई तीन, या फिर ये 8ों ही आपको जरूरत पड़ेगी भाई, ये छोड़कर तो आप एक सेंटेंस कभी भी कॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हाँ आप बोल सकते हैं कि मैम ये 8 पार्ट को छोड़कर भी और कुछ आता है, आर्टिकल, ए एन डी, हाँ आती है भाई, लेकिन ए एन डी को लेकर आप सेंटेंस बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। देयर इज अ पेन, ए इज आर्टिकल, बट देयर इज वर्ब हो गया, पेन तो नाउन हो गया, आप जानती है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ये 8ों में से कोई एक तो आपका जरूरी होगा, ठीक है? मैं आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बता रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, ठीक है? मैं क्यों पढ़ा रही हूँ ये आपको, मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में एरर डिटेक्शन, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये एरर डिटेक्शन पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप गवर्नमेंट एग्जाम दे चुकी हो, जो देना चाहती हो, प्रिपरेशन ले रही हो, मुझे पता है कि वो सभी जानते हैं कि एरर डिटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होती है और ये एरर डिटेक्शन में कितना गलती होती है भाई, कितना गलती होती है ये एरर डिटेक्शन में। लेकिन मेरे साथ क्लास करोगी ना तो गलती कभी नहीं, गलती मत करो, सीखो, पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? गलती कभी नहीं। और ये एरर डिटेक्शन के लिए आपका
नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन का पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सभी से जब स्पीच बनती है तो ये सभी से एरर भी बन सकती है ना। अब मैं आपको ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ कि आप जान जाओगे बाद में जब हमारा क्लास ये सब्जेक्ट में हम बाद में जब पढ़ाएंगे ना, तो ये चैप्टर वाइज नाउन का क्लास, प्रोनाउन का क्लास, एडजेक्टिव का क्लास हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जो मैंने जानना चाहती हो कि नाउन किसको कहते हो सकते हैं ना, सभी जानना चाहते हो भाई, मैं भी जानना चाहती हूँ और कैसे होती है, क्या कहाँ कहाँ लगती है नाउन, कहाँ कहाँ लगती है प्रोनाउन, कहाँ कहाँ लगती है कंजंक्शन, वो हम एकदम ठीक। और सिर्फ जानकारी के लिए ही नहीं, आप नाउन जानना चाहते हैं प्रोनाउन जानना चाहते, ऐसे भी नहीं, इंग्लिश में आपका गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर आपका कैंपसिंग का एग्जाम में भी, आप जो इंजीनियरिंग पढ़ती है ना, कैंपसिंग का एग्जाम होती है ना भाई, चाकरी तो बहुत, नौकरी तो बहुत ही जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, और कैंपसिंग का एग्जाम में भी इंग्लिश पार्ट आती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो मैं आप कराने जा रही हूँ एरर डिटेक्शन, मेरा मोटिव क्या है, मैं एरर डिटेक्शन कवर करूंगी, एरर डिटेक्शन में कवर करूंगी, इसलिए मैं नाउन प्रोनाउन बोल रही हूँ, एरर डिटेक्शन में ये आती है। नाउ मूव ऑन द बोर्ड, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आप सभी लिख लो, पेन खाता पेपर आप लेके आई हो ना, क्योंकि मेरे क्लास में ये तीनों बहुत जरूरी है, पेन पेपर और इरेजर पेंसिल के साथ, क्योंकि ये आप इरेज करोगी फिर से लिखोगी, पेन से काटोगी फिर से लिखोगी, क्योंकि ये चीज छोड़कर कभी भी सीख नहीं पाओगी भाई। तो सीखने के लिए लिखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, और क्या जरूरी है, याद करना। नाउ मैं लिख रही हूं अ गुड स्टूडेंट works hard at his books and enjoys learning. A good student works hard at his book and enjoys learning. इसमें कोई एरर नहीं है, एरर डिटेक्शन में का क्लास है, इसलिए आप यहाँ पर एरर ढूंढने जाओगी नहीं भाई, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ये आपका सीखने के लिए है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका सीखने के लिए, ठीक है। एरर डिटेक्शन, अच्छा एरर डिटेक्शन के लिए ये नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए है। आ क्या है, अ इज आर्टिकल, आर्टिकल गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव, ये क्यों है ये आपको मैं बता रही हूं, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों आप लिखी हो, मैं लिखी हूं, ये आपको मैं बताऊंगी। अ इज एन आर्टिकल, गुड इज एन एडजेक्टिव, स्टूडेंट, स्टूडेंट इज नाउन, वर्क्स इज वर्ब, ही अ स्टूडेंट, a good student works hard at his, अच्छा at his books, ठीक है, at his pronoun, his is, sorry at तो pronoun नहीं है भाई, at is preposition, noun, pronoun is his, at his preposition, hard, hard क्या है, अब बोलो भाई hard क्या है, hard है adverb। अब देखो, अच्छा books noun है, enjoys बाद में बता रही हूँ, अच्छा मैं अभी बता रही हूँ, enjoys verb है, लर्निंग क्या है बाद में बता रही, ठीक है। अच्छा अ गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, वर्क्स हार्ड एट हिज बुक्स
and enjoys learning. Article, adjective, noun, verb, adverb, preposition, pronoun and again noun. ये एक sentence है, आप लिख लो खाता में. ये एक sentence है जहां पर parts of speech का सभी parts of speech का सभी जो है noun, pronoun, सभी इसमें included है. ठीक है, ये एक sentence है जहां पर parts of speech का सभी word, सभी speech, सभी parts यहां पर included है. Right, सभी part यहां पर included है. अब मैं आपको बता रही हूं कि आर्टिकल क्या होते हैं. एक सेंटेंस में अगर आर्टिकल है ना, ए एंड बी कोई भी हो, आर्टिकल अगर एक सेंटेंस में हो जाए ना, तो आपको ये माथा में घुसाना होगा कि आर्टिकल है तो नाउन होगा ही होगा. आर्टिकल अगर है, आर्टिकल है ए एंड बी, ये तीनों आर्टिकल होते हैं. ये अगर है तो ए एंड दी, सॉरी दी, ये अगर आपका ए एंड द अगर आपका आर्टिकल हो, तो कोई भी सेंटेंस में ये है कि आर्टिकल है लेकिन आपका नाउन नहीं है, ये तो भाई हो ही नहीं सकेगा. आर्टिकल है तो नाउन है, तो आर्टिकल है यहाँ पर ए, अब ढूंढो नाउन कहाँ है. आर्टिकल है, नाउन है स्टूडेंट्स, अ गुड स्टूडेंट्स वॉक्स हार्ड, ऐसा भी सेंटेंस मे बी. ये एक बड़ा सेंटेंस है क्योंकि मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कौन कौन क्या में क्या कैसे काम करती है. लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, गुड स्टूडेंट्स वर्क्स हार्ड इन हिज स्टडी इन हिज बुक, हो सकता है ना. तो ये स्टूडेंट हो गया आपका नाउन, आर्टिकल होगा तो नाउन होगा ही. अब ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एडजेक्टिव उन्हीं को कहते हैं जो नाउन का क्वालिटी बताती है. एडजेक्टिव हर टाइम पे क्वालिटी बताती है. किसको क्वालिटी बताती है, मेरे आपका नहीं, क्योंकि हम क्या है, हम तो प्रोनाउन हो गया भाई, मैं आप हम सभी का प्रोनाउन. लेकिन प्रीतम सौरभ वो क्या है, वो नाउन है. प्रीतम वर्क्स हार्ड, सौरभ इज अ गुड बॉय, गुड भी यहाँ पर तो क्या है, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है. सौरभ इज अ गुड बॉय, सौरभ कैसा लड़का है, सौरभ अच्छा लड़का है, सौरभ इज अ गुड बॉय. गुड क्या बता रहे हैं कि सौरभ का क्वालिटी, सौरभ इज अ गुड बॉय, तो गुड नाउन का क्वालिटी बताती है. तो गुड हो गई भाई आपका एडजेक्टिव. अ गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, अ स्टूडेंट कैसा है, अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो गुड हो गया एडजेक्टिव. वर्क्स, वर्क्स हार्ड, वर्क्स आपका वर्ब, वर्क्स क्यों आपका वर्ब है, कोई भी क्रिया आप जानती हो, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ, कोई भी क्रिया आप कर रही हो, आप बोल रही हो. हाँ, तो मैं आपको वर्ब बता रही थी, तो वर्ब है जो वर्क्स, वर्क्स है वर्ब, जो आप काम कर रही हो, जो आप क्रिया कार्य कर रही हो, वो होगा आपका वर्ब. आप खेल रही हो, आप सो रही हो, आप हंस रही हो, और जो और काम होती है कि आप जा रही हो, आप साइकिल में हो, आप बाइक में जा रही हो, ऑल थिंग इज योर वर्क्स. ठीक है, यहाँ पर वर्क्स है, इसका मतलब ये क्रिया हो गया, ऐसा नहीं. अगर आप कुछ भी करो तो वो, यू आर साइकिलिंग देन दैट इज अ वर्क, यू आर गोइंग दैट इज ऑल्सो अ वर्क, और यहाँ पर तो वर्क्स ही है, ये है आपका भार. उसके बाद आती है कि अ गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड एट हिज बुक्स. हार्ड, हार्ड है यहाँ पर भाई एडजेक्टिव हो गया, नाउन एडवर्ब है, हार्ड है एडवर्ब, मैं लिख रही हूँ, लिख दिया हूँ वहां पर, हार्ड है एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब किसको बताती है, एडवर्ब उनको बताती है कि जो वर्ड का, जो वर्ड एडवर्ब है ना, एडवर्ब होती है कि जो वर्ड का क्वालिटी बताती है, वो है आपका एडवर्ब. कैसे वो वर्ड की क्वालिटी बता रही है, वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क्स कैसे कर रही है, वर्क्स है आपका वर्ड, वर्क्स कैसे करे, ही वर्क्स हार्ड, हार्ड वर्क करिए, तो हार्ड है भार्ड का क्वालिटी बताने वाली एग्जाम्पल, बताने वाली वर्ड. ठीक है, वर्क्स हार्ड, उसका मतलब है हार्ड है आपका एडवर्ब हो गई. उसके बाद एट है, एट, एट मतलब किसी में है, किसी का ऊपर है, किसी के अंदर है, और कहाँ भी है वो होता है कि आपका एट. ठीक है, एट ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, एट हिज,
His तो ये है pronoun. आप तो जानती है कि his, her, her, everything is pronoun. हाँ तो ठीक है, तो preposition मैं बोल रही हूँ कि at यहाँ पर preposition है. preposition क्या है? जो कोई भी position बताती है वो है preposition. और इसलिए इसका नाम है preposition. मैं जो बोली हूँ वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताती हूँ preposition के बारे में. किसी position अगर मैं बताऊंगी जैसे at, over, under, in front of, behind, everything is a preposition. क्योंकि सभी ये जो वर्ड मैं आपको बोली हूँ ये सभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी का पोजिशन बता रही है, इसलिए ये है प्रीपोजिशन. उसके बाद है his. his is a pronoun. क्योंकि नाउन को अगर कोई सप्रेस करे, नाउन का जगह पर मैं अगर कोई वर्ड देकर वो ही सेम चीज आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं आपको बोले हूँ कि प्रीतम इज अ गुड बॉय, देन ही इज अ गुड बॉय. राहुल इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय. वैसे वो ही है यहाँ पर प्रीपोजिशन और यहाँ पर है हिज. हिज इज अ प्रीपोजिशन. और बुक्स, बुक्स यहाँ पर नाउन है क्योंकि बुक्स भी एक नाम है. किसका बुक्स है? हिज बुक, आपका बुक. तो बुक है यहाँ पर नाउन. एंड एंजॉयज, एंजॉयज है भाव. क्योंकि कोई भी काम कुछ करी कर रही है आप, क्रिया मैं बोल रही हूँ क्रिया, वो है यहाँ पर एंजॉयज वर्ब. और लर्निंग, लर्निंग क्या है? लर्निंग मैं नहीं बताया आपको. लर्निंग यहाँ पर क्या है? लर्निंग है जिरंड भाई, लर्निंग है आपका जिरंड. जिरंड क्या है आप जानते हो तो अच्छा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिरंड है अगर भार के साथ आई एन जी लग जाए ना तो वो होता है आपका जिरंड. और ये एरर डिटेक्शन में बहुत जिरंड देकर बहुत क्वेश्चन आती है, उसको आपको ठीक करना पड़ते हैं और एरर आपको डिटेक्ट करना पड़ती है. जैसे लर्न, एल ई ए आर एन, लर्न क्या है? लर्न एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? नहीं है, लर्न है वर्ब. लर्न आप सीख रही हो, लर्न इज अ वर्ब. और लर्न के साथ आप लगा रही हो आई एन जी, ये हो गया जिरंड. जिरंड कैसे कम करती है? ये वर्ब का जैसा ही कम करती है. रीड, 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 व्हाट इज रीड? रीड इज वर्ब. रीड के साथ आप लगा रही हो आई एन जी तो हो गई आपका रीडिंग. रीडिंग क्या है? रीडिंग इज अ जिरंड. नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ एरर डिटेक्शन के लिए, वो मैं आपको करवा कर दे रही हूँ, आंसर भी बोल कर दूंगी ये क्वेश्चन का. और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा. हाँ मुझे पता है कि आप बोल रहे हो कि मैम एक क्वेश्चन से मैं कैसे सीखूंगा एरर डिटेक्शन. नहीं भाई, ये आपका एग्जाम्पल है एरर डिटेक्शन का. इसमें से आपको सीखने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ. मुझे पता है कि आप एक क्वेश्चन से कभी भी सीख नहीं पाओगे. सीखने के लिए आपका 10, 20, 100 क्वेश्चन करना होगा. हाँ 100 क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं आपको 20, 25, 30 क्वेश्चन तो जरूर कराऊंगी. एक क्लास में नहीं हुआ तो 2 क्लास में, लेकिन मैं जरूर कराऊंगी. और कौन कौन क्वेश्चन कराऊंगी? जो बहुत ज्यादा आती है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है वो मैं आपको कराऊंगी. हाँ वो 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगी. और आप उसको छोड़कर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, उनमें भी आप देखेंगे कि ऐसा तरीका की एरर है, तो आप झटाक से पहचान लोगी कि एरर कैसे ठीक करना है और कैसे आपको चूज करना है. तो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आई डिड नॉट नो हार्डली city and so felt lonely. तो पहले मैं आपको बोलने जा रही हूँ कि एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं. ठीक है,
ए बी सी एक ही सेंटेंस है, ये अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग पार्ट है, ऐसा नहीं है। एक ही सेंटेंस में आपका क्वेश्चन आएगा डिटेक्ट द एरर, इसमें से क्या करने हैं। नहीं, आपको एरर डिटेक्ट करके सेंटेंस बनाना नहीं है, आपको सिर्फ डिटेक्ट करना है कि एरर कहां पर है। अगर आपका ऑप्शन रहेगा ए बी और सी, अगर ए में एरर है तो आप टिक मारोगी ए में, अगर बी में है तो बी सिलेक्ट करोगी, सी में है तो सी सिलेक्ट करोगी, बन गया काम। लेकिन ऐसे काम नहीं बनता है, क्योंकि आप सोच रही हो कि ये तो बहुत इजी बात है, हमको तो एरर ठीक करके नहीं लिखना पड़ रहा है, तो मैं तो ऑप्शन छटाक से पहचान लूंगी। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ऐसा करके क्वेश्चन आते हैं कि आप समझोगी कि भाई यहाँ पर कहाँ है गलती, गलती कहाँ है यहाँ पर, मुझे तो देख रहे हैं कि ये सभी ठीक है। नहीं, गलती छोटा छोटा होता है और इसके वजह से ही तो आपका क्लास है। ये छोटे छोटे गलती को पहचानने में आपको मैं आई विल हेल्प यू टू फाइंड दिस छोटे टाइप ऑफ फॉल्ट। और मैं आपको ये भी कराऊंगी कि ये फॉल्ट आप डिटेक्ट कैसे करोगी, कैसे पहचानोगी और ठीक भी कैसे करोगी। क्योंकि अगर आप ये कैसे ठीक करते ये अगर आप नहीं जानो ना, तो आप उसके बाद में कोई क्वेश्चन यू कांट डू दैट। तो आई डिड नॉट नो, डिड क्या है? डिड आपका प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट टेंस है, आप बताइए ना। डिड है आपका फर्स्ट टेंस। किसका फर्स्ट टेंस है? डू का फर्स्ट टेंस। डू है आपका प्रेजेंट टेंस एंड डू डिड डन, ऐसे ना, ऐसे होते हैं ना, डू डिड डन, पढ़े हो ना। तो अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना, इसके लिए भी क्लास है, वो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी एकदम क्लियर करके, लेकिन बाद में, बाद का क्लास में, ठीक है। डू है प्रेजेंट टेंस, डिड है आपका पास्ट टेंस, यहाँ पर है आपका फर्स्ट टेंस आई डिड नॉट नो। तो पास्ट टेंस अगर यहाँ पर है तो नो हार्डली, ठीक है। आप डिड, मैं आई डिड नॉट नो हार्डली एनी वन, डिड नॉट है, डिड नॉट के साथ नो है, डिड नॉट न्यू ऐसा नहीं हो सकते, ठीक है। डिड है आपका पास्ट टेंस, आप बोल सकते हो कि डिड नॉट है तो यहाँ पर न्यू होगा, नहीं, दो पास्ट टेंस नहीं होता है, डिड नॉट ऑलवेज नो, डिड पास्ट टेंस बैठ गई है ना यहाँ पर, तो डिड के साथ नो है। लेकिन ये पास्ट टेंस में मैं क्यों आपको जोर दियो, ये मैं बता रही हूँ। Hardly anyone, ठीक है, in the city and so felt lonely. I did not know, तो ये हो गया, ये एक negative sentence है, I did not know, negative sentence. Hardly, hardly का मतलब क्या है? Hardly, एक दो, hardly, hardly भी आपका negative word है। और एक proper, correct sentence में दो negative चीजें नहीं बैठ सकता, ठीक है। Did not know भी बैठ रही है, hardly भी बैठ रही है, नहीं है, no, this is totally wrong. तो आपको क्या करना होगा, ऐसे या फिर आपको ये did not know हटाना होगा या फिर आपको hardly हटाना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैं आपको ये did not अगर हटा देती हूं ना, तो ये sentence क्या होगा, I know hardly, उसके बाद मैं बोल रही हूँ लेकिन आई नो हार्डली होगा क्या? आई नो हार्डली नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर तो डिड है ना, ये सेंटेंस में डिड आपको बोली है, तो ये डिड नॉट अब हटा दे रही है और आप आपका पसंद का ये प्रेजेंट टेंस बैठा दे रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये आपको, ये भी आपको पास्ट टेंस में ही करना होगा, आई न्यू, K-N-E-W, I knew hardly anyone, ऐसा होगा आपका सेंटेंस, I knew hardly anyone in the city and so felt lonely. तो एरर क्या है, एरर है ए में, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है, ए में ही हार्डली है, ए में ही आपका डिड नॉट नो है। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता ना कि डिड नॉट नो यहाँ पर स्लैश देकर हार्डली, तो आप कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ पर होगा भाई, ए या होगा या बी होगा। और अगर ये आप ए देती है तो भी आपको आंसर करेक्ट होता, अब बी देती है तो भी आपका आंसर करेक्ट होता, इसलिए ये हार्डली एंड आई डिड नॉट नो एक ही पार्ट में यहाँ पर है। तो एरर हो गया आपका
ए और सेंटेंस करेक्ट करके आप लिखोगी तो आपको क्या लिखना होगा? आई हार्डली न्यू, आई हार्डली न्यू, आई हार्डली न्यू एनी वन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली. थोड़ा सा मतलब ठीक करके लिखो ना सेंटेंस. आई न्यू हार्डली होगा ये एकदम करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा सजा कर लिखो ना. बोलने की भी सुविधा होगी, लिखने की भी सुविधा होगी. आई हार्डली न्यू एनी वन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली. ठीक है, न्यू भी हो गया आपका पास्ट टेंस, फेल्ट भी हो गया आपका पास्ट टेंस. और यहाँ पर सब ठीक है, और यहाँ पर सब ठीक है. आपको मैं दे रही हूँ और एक क्वेश्चन, ये है आपका HW. ये क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दीजिए. अगर वो ठीक हुआ तो वेरी गुड, अगर वो भूल हुआ, गलती हुआ, तो भी मैं आपको बता दूंगी कि गलती क्या है, मैं सुधर दूंगी. और ठीक भी हुआ तो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगी फिर से वो क्वेश्चन आपको फिर से. आई विल लर्न दिस क्वेश्चन. ओके, आपका होमवर्क है शी इज श्योर अ ग्रेट सिंगर एंड एनी कट गई है आई थिंक एंड एनी वन शी इज अ गुड सिंगर एंड सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई नो अदर सिंगर इज अ मैच फॉर हर. ठीक है, अब लिख लो थोड़ा सा ये क्वेश्चन. ये आपका HW है और इसमें जो एरर है ना वो अभी भी मुझे लगता है कि मैं अभी बोल दूं क्योंकि ये मेरे आंखों के सामने इतना मतलब खटक रही है कि ये एरर बोलो. लेकिन मैं ये आपको नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपका ये HW है. और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपका ये वीडियो कैसा लगा, डेली न्यू लर्निंग चैनल आपका कैसा जा रही है. और आप जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू. बेचारा जॉल का आपके